पब्लिक टीवी आपकी आवाज। ग्राम पंचायत रुस्तमपुर बड़माड़ से प्रधान पद के लिए अपना भाग्य आजमा रही विमला देवी ने अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार का दौर और भी तेज कर दिया है। तो वहीं इस विजय गाथा को लिखने में अग्रणी भूमिका निभा रहे उनके पति राजेंद्र सिंह भी उनका साथ दे रहे हैं। कदम से कदम मिलाकर वो आगे बढ़ रहे हैं। जब हमारी टीम ने राजेंद्र सिंह से बात की तो उन्होंने कहा कि क्षेत्र का चहुमुखी विकास कराना ही उनकी पहली प्राथमिकता होगी और साथ ही जो भी क्षेत्र की समस्याएं सामने आएंगी उन सभी समस्याओं का निस्तारण कराना ही वो अपनी अहम जिम्मेदारी समझते हैं। इस दौरान जब गांव के लोगों से बात की गई तो उनका कहना है कि कर्मठ जुझारू और शिक्षित प्रत्याशी को ही चुनाव मैदान में विजयी बनाएंगे। हमारी टीम से बात करते हुए राजेंद्र सिंह का क्या कहना है आइए जानते हैं। प्राथमिकता ये रहेगी कि गांव में सबसे पहली प्राथमिकता है गांव की चकबंदी होनी चाहिए। ये गांव की चकबंदी नहीं हो पाई है। विगत वर्षों से काफी प्रधान बनते रहे सब, लेकिन कोई भी प्रधान चकबंदी की ओर किसी ने ध्यान नहीं। इस गांव में हमने जैसे सर्वे करा, एक चीज है यहाँ पर जब बाढ़ आती है तो बहुत दिक्कत हो जाती है, लोग बाग निकल नहीं पाते। उसके लिए देखो, जब बाढ़ आती है, अब शिखर नहीं आ रही काफी समय से बाढ़, अब तो बाढ़ का करीब 2010 में बाढ़ आई थी और 2010 के बाद अभी कोई बाढ़ नहीं आई। लेकिन जब पानी आता है, क्योंकि खादर का क्षेत्र तो ये है भाई, सड़कों पर भी पानी होता है, तो जाहिर सी बात है कि वो तो नहीं उसके लिए वो हो पाएगा। लेकिन जो अड़ंजे खड़ंजे हैं, सारे खड़ंजे पड़े हुए हैं, जो अधूरा काम पड़ा है, जो किसी प्रधान ने नहीं किया, मेरा चुनाव लड़ने का मकसद यही है कि वो सारे काम पड़े। ठीक है, यहाँ पर कई लोगों की शिकायत है कि यहाँ पर गल्ला जो है वो पिछले प्रधानों के जो थे उन पूरा गल्ला नहीं मिल पाता था, बहुत दिक्कत रहती थी। वो बहरहाल ये है कि जब मैं प्रधान बनूंगा तो ये लोगों की समस्याएं खत्म होंगी। कोई राशन डीलर, सही राशन डीलर, अगर लोग शिकायत कर रहे हैं तो सही राशन डीलर का। शिक्षा रोजगार के लिए भी कुछ यहाँ पर कुछ आते हैं? शिक्षा रोजगार ये है, बाकी लोग मुरादाबाद में जाते ही हैं काम के अपने उसके लिए, लेकिन जो प्रधान बनने के बाद जो प्रधान का एक व्यवस्था है वो दायित्व में पूरा निभाने की कोशिश करूंगा। कोई अपील करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ की जनता के लिए? मैं आपके चैनल से यही अपील करूंगा कि थोड़ा जो है सरकार का भी, अगर मैं प्रधान बनता हूँ तो सरकार का अगर सहयोग होगा तो मैं ईमानदारी के साथ जो कार्य हैं, जैसे पट्टे कटने हैं, हमारे यहाँ करीब 1400 भी ग्राम समाज पड़ी है, जो गरीबों में जो गरीब तबके के लोग हैं वो पट्टे उनको दिलाई जाए अगर गवर्नमेंट की योजना आए। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।